वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू दिस सेशन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? चलिए चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, इस शाइनी सरफेस के साथ सुबह का आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस सेशन में, जहां पे हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं मशीनिंग प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक प्रोडक्शन के दो तीन सेशन कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अभी तक सबसे ज़्यादा लिए हैं, और कास्टिंग हम लोगों ने लिया है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कास्टिंग मशीनिंग में, मशीनिंग में ही कंटिन्यू करते हुए। अभी कास्टिंग पहले ख़त्म कर चुके हम लोग, तो मशीनिंग में कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग थोड़ा सा ग्राइंडिंग के ऊपर क्वेश्चन लेंगे। एक दो मिक्स भी रहेंगे, लेकिन मेनली ग्राइंडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को आज मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन को। आई थिंक सब लोग ओके होंगे। मनीष कुमार जी, लुक को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब अपनी बाय चॉइस नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। लेट्स एक सेकेंड जरा इसको कैमरे को सीधा करें। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप कसम रखता हूँ, सब लोग रेडी हैं आंसर देने के लिए? इज एवरीवन रेडी? चलिए चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल क्वेश्चन किए थे लगभग 60, लास्ट क्वेश्चन हमारा था ब्रोचिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए स्टार्ट करिए, फटाफट आंसर करना। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल, जरा मैं आप क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, मैं जरा आप लोग एक कमेंट ऑन कर दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे कमेंट पढ़ सकता हूँ मैं आप सबके। हाँ, तो आपसे पूछ रहा है, फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल, अगर हम किसी हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करते हैं तो किस तरह के ग्रेन साइज की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? कोर्स ग्रेन साइज की, या फाइन ग्रेन साइज की, मीडियम, या कोई भी ग्रेन साइज चलेगा। तो बहुत अच्छे से आपको ये ग्रेन साइज, ठीक है ना, पे अंतर बता रखा है, दैट इज हार्ड, सॉफ्ट, फाइन, कोर्स। तो याद रखिए, आपको बताया था दैट इज द हार्डर मटेरियल रिक्वायर्ड अ फाइन ग्रेन साइज, ठीक है ना। मैक्सिमम सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज बी विल बी दी करेक्ट आंसर, बी विल बी दी करेक्ट आंसर, फाइन ग्रेन साइज इज यूज्ड। समझ आ गया बात? क्लियर है? तो यहां पे बी रहेगा बच्चों करेक्ट आंसर, वेरी गुड। विच एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज फॉर ग्राइंडिंग ब्रोंज वॉल्व बॉडीज? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े डेटा बेस्ड होगा, जो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही याद रखने होंगे, ठीक है ना। कि यहां पे पूछ रहा है कि ब्रोंज की वॉल बॉडीज को अगर हमें ग्राइंड करना है तो कौन सा एब्रेसिव पार्टिकल जो है वो यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो विच एब्रेसिव पार्टिकल इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ब्रोंज, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताएं बच्चों यहां पे, विच एब्रेसिव पार्टिकल इज यूज, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डायमंड, या क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड? जल्दी बताएं, CBN जिसे हम बोलते हैं। विच एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज फॉर ग्राइंडिंग ब्रोंज वॉल बॉडीज? क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड,
यहाँ पे सबका मिक्स आंसर आ रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि पहले क्वेश्चन अगर नहीं देखा है तो फिर आंसर मिक्स ही होगा, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज सिलिकन कार्बाइड, दैट इज सिलिकन कार्बाइड, नॉट क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, दैट इज सिलिकन कार्बाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दैट। विच एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज फॉर एच एस एस टूल? ठीक है, अगर हम हाई स्पीड स्टील टूल की बात करें, एच एस एस टूल की बात करें, तो उसके लिए कौन सा पार्टिकल जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा? तो विच एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज फॉर एच एस एस टूल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एच एस एस टूल के लिए। ठीक है, वैसे तो मैं क्लास में क्रोमा इफेक्ट से भी बाल लगा सकता था यार, है नहीं कुछ इस तरह से। चलिए खैर, बताएं बताएं बताएं, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, डायमंड या क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड? अब आप आंसर करें, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। हाई स्पीड स्टील टूल की अगर हम बात करें तो दैट इज एब्रेसिव पार्टिकल विच इज सुटेबल फॉर एच एस एस टूल इज क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। डी विल बी द करेक्ट आंसर देन, डी विल बी द करेक्ट आंसर आपका चलेगा। ठीक है, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। बट इसमें एक चीज़ है, इसमें मैंने एग्जांपल कहीं ना कहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी देखा है, ठीक है ना, बट खैर आंसर की में जो आया पेपर में उसने क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड दिया है, लेकिन हाई स्पीड स्टील टूल के लिए मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड भी आंसर देखा था, मुझे इतना ध्यान है। ठीक है, बट फिलहाल चलिए हम आंसर की को फिलहाल फॉलो करते हुए चलते हैं, तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्नैक ग्राइंडिंग? स्नैक ग्राइंडिंग का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा बच्चों? स्नैक ग्राइंडिंग समझते हैं ना, स्नैक ग्राइंडिंग किसे बोलते हैं? या देखिए स्नैगिंग प्रोसेस बोला जाता है ग्राइंडिंग में, तो जैसे हम कास्टिंग करते हैं ना, तो कास्टिंग में ग्राइंडिंग के थ्रू जो है हम राइजर वाइजर ये सब ट्रिम करके रिमूव नहीं करते हैं जो, तो वो ग्राइंडिंग के थ्रू जो रिमूव करते हैं हम लोग, उसको स्नैक ग्राइंडिंग बोलते हैं, स्नैगिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है, दैट इज रिमूविंग एक्सेस मेटल ऑन वेल्ड, ठीक है, ग्राइंडिंग अ पार्टिकल लाइन लेफ्ट ऑन कास्टिंग। तो जितनी भी ये एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं किसी भी प्रोसेस के बाद, इवन वेल्डिंग में भी चलेगा, तो उसको हम स्नैक ग्राइंडिंग ही बोलते हैं। तो मतलब ए और बी अगर दोनों हैं, और ट्रिमिंग सरफेस लेफ्ट बाय स्प्रू एंड राइजर ये भी आ गया, रिमूविंग फ्लैश फ्रॉम फॉर्जिंग्स, तो हर प्रोसेस में चाहे वो फॉर्मिंग है, चाहे वो वेल्डिंग है, चाहे वो कास्टिंग है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव किया जा रहा है दैट कम्स अंडर स्नैक ग्राइंडिंग। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ई रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, ई रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेगा। स्नैक ग्राइंडिंग अलग से भी पूछ सकता है, व्हाट इज स्नैगिंग? ठीक है, अ ग्राइंडिंग व्हील गेट्स ग्लेज्ड ड्यू टू, तो बच्चों बताइए ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज्ड जब हम कहते हैं हो गया है, वो किसके वजह से होता है? तो ग्लेजिंग आपको याद होगा, ग्लेजिंग किसकी होती है? जब ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव पार्टिकल की जो एजेस हैं वो डल पड़ जाती हैं, वो राउंड ऑफ हो जाती हैं, ब्लंट हो जाती हैं, तो तब हम उसे ग्लेजिंग बोलते हैं। तो वो ग्लेजिंग का होना मतलब क्या है? एब्रेसिव ग्रेन का वियर होना, वियर ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ एब्रेसिव, या क्रैक्स इन व्हील? जल्दी बताएं। अ ग्राइंडिंग व्हील गेट्स ग्लेज ड्यू टू, ग्लेज किस वजह से होता है ग्राइंडिंग व्हील में? बिल्कुल ए विल बी दी करेक्ट आंसर, दैट इज वियर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स, ठीक है, एब्रेसिव ग्रेन के टूटने से। बिल्कुल सही है, लगभग सभी का सही है, दैट इज इजी क्वेश्चन, ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच एब्रेसिव पार्टिकल्स वुड यू चूज फॉर ग्राइंडिंग टंगस्टन कार्बाइड टूल? अब देखिए ये हार्ड आ गया, मतलब टंगस्टन कार्बाइड टूल के लिए कौन सा एब्रेसिव पार्टिकल रिक्वायर्ड होगा? तो ये सब आपके बुक्स में दिए हुए हैं कहीं ना कहीं, कहीं ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ये आ रखे हैं पेपर में, लेकिन कहीं ना कहीं दिए हुए हैं। और कास्टिंग आप देखते हो, 2 से 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं कास्टिंग के। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, दैट इज एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज फॉर ग्राइंडिंग टंगस्टन कार्बाइड टूल, टंगस्टन कार्बाइड टूल के लिए कौन सा एब्रेसिव पार्टिकल जो है वो चूज करेंगे? तो आप सबको पता है बच्चों, टंगस्टन कार्बाइड टूल की बात अगर हम करें तो फिर यहाँ पे आपका हार्ड आ जाता है, काफ़ी हार्ड। तो अगर काफ़ी हार्ड की अगर बात करें तो फिर हमें उसके लिए भी और हार्ड चाहिए, तो इसमें सबसे हार्ड कौन सा है? दैट इज योर डायमंड। सबसे हार्ड इसमें कौन सा? दैट इज योर डायमंड। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर, जो कि काफ़ी बच्चों ने सही ही दिया है, ठीक है ना। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर, डायमंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, ठीक है, कटिंग एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं, व्हाट इज दैट प्रोसेस? ड्रेसिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन या फेसिंग ऑपरेशन? द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एक्शन को इम्प्रूव करना, बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है, सबको पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए फटाफट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि सबको पता है कि दैट इज कॉल्ड ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, बोला जाता है ना, ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग प्रोसेस इज फॉर इम्प्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज अ ड्रेसिंग ऑपरेशन विच इज यूज फॉर इन फॉर अ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ग्राइंडिंग व्हील के सभी क्वेश्चन बच्चे जो लिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर जगह, ठीक है। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू रन अ ग्राइंडिंग व्हील सेफली एट वेरी हाई स्पीड फॉलोइंग बॉन्ड शुड बी यूज, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, ठीक है ना, दैट इज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू रन अ ग्राइंडिंग व्हील सेफली एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है, जब हमें किसी ग्राइंडिंग व्हील को हाई स्पीड में सेफली चलाना हो, हाई स्पीड में सेफली चलाना हो तो हमें किस तरह के बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। वी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन दी एब्रेसिव, विट्रीफाइड बॉन्ड, शैलक बॉन्ड, रेजनॉइड बॉन्ड, है ना, ये सब हम लोग जानते हैं। तो उसमें हम देख पूछता है हमें कि हाई स्पीड में अगर सेफली चलाना हो तो किस तरह के बॉन्ड की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं विट्रीफाइड, शैलक, सिलिकेट, रेजनॉइड एंड रबर बॉन्ड। तो यहाँ पे आंसर वी नो दैट बहुत अच्छे से, बताइए बच्चों। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको, कोई ए कह रहे हैं, कोई सी कह रहे हैं, सो व्हाट विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? देखिए ये बॉन्ड के ऊपर दो तीन क्वेश्चन बड़े फेमस हैं, एक क्वेश्चन तो जब सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग वगैरह पूछा जाता है तब पूछा जाता है आपसे, तो एक तो वहाँ पे पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, बाकी एक दो जगह जो है मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, दो तीन क्वेश्चन जहाँ जहाँ बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है, ताकि आपको आंसर अगर क्लियर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाए तो ध्यान ढंग से ध्यान रखिएगा, दैट इज़ योर रेजनॉइड और रबर बॉन्ड, दैट इज़ योर रेजनॉइड और रबर बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि अभी और एक दो क्वेश्चन और भी हैं बॉन्ड के ऊपर, तो वो अच्छे से याद रखिएगा किसके लिए क्या है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो कि अगर हम हाई स्पीड की बात करें, हाई स्पीड में सेफली रन करने की बात करें, तो रेजोनॉइड और रबर बॉन्ड इज मोर सुटेबल फॉर दिस, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कुछ बच्चों ने डी दिया है। नाउ अ डेंस स्ट्रक्चर इन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर, ग्राइंडिंग व्हील में आपको पता है बच्चों दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, ठीक है, जब हमारे ग्रेन्स लगते हैं तो उसमें भी दो तरह से लगते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है डेंस। ओपन में गैप होता है एब्रेसिव्स के बीच में, और जो डेंस होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है डेंस स्ट्रक्चर इन ग्राइंडिंग व्हील यूज, अगर हम डेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो किसके लिए यूज़ करते हैं, हैवी कट करना है तब, डक्टाइल मटेरियल के लिए, इलास्टिक मटेरियल के लिए, या फिनिशिंग कट के लिए, ठीक है ना, बताएं किसके लिए हम लोग जो है डेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो आपको पता है बच्चों हमारा ओपन स्ट्रक्चर कब यूज़ होता है, ओपन स्ट्रक्चर हमारा यूज़ होता है उन मटेरियल्स के साथ, जनरली जो मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, दैट इज़ योर हार्ड मटेरियल्स, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल के साथ ओपन स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल में दिक्कत क्या होती है, अगर हम ओपन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो वहाँ क्लॉगिंग होने का चांस रहता है, लोडिंग होने का चांस रहता है, मतलब जो पार्टिकल रिमूव हो रहा है उसका फंसने का चांस रहता है ग्राइंडिंग व्हील में, जिसको हम लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं मेनली आपका, क्योंकि गैप कम होता है तो मटेरियल कम रिमूव होता है, कम रिमूव होता है तो दैट इज़ फॉर द फिनिशिंग पर्पस, फॉर द फिनिशिंग कट्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फॉर द फिनिशिंग कट्स वी यूज़ द डेंस स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। इसीलिए कह रहा हूँ मैं प्रोडक्शन में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आप पूरा ग्राइंडिंग भी जानते होंगे उसके बाद भी आपको पाँच छः क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, अरे यार ये क्या है, या कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हैं क्या आंसर करें। तो ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करें, मतलब कम से कम 500 क्वेश्चन जब प्रोडक्शन के प्रैक्टिस हो जाते हैं तब आप कह सकते हैं कि हाँ चलो अब चांस है कि मेरा क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है।
तो यहां पे डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम फॉर ग्राइंडिंग व्हील हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ सिंबल। वी नो दैट कि ग्राइंडिंग व्हील हम लोग जो यूज करते हैं उसमें हम उसके कैरेक्टर को शो करने के लिए ग्राइंडिंग डेजिग्नेशन देते हैं, और वो डेजिग्नेशन में हम लोग कितने सिंबल्स का यूज करते हैं बच्चों बताएं। तो वी नो दैट कि वी यूज पी ए जी जी एस बी एस, है ना, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ 7 तो है ही नहीं। तो 7 इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स होता है, ये जो है ये मैन्युफैक्चरर देता है ये नाम, ठीक है ना। ये नाम जो है ये मैन्युफैक्चरर के अपने कोड होते हैं समझने के लिए, ताकि प्रोडक्ट का पता चले कि किस कंपनी का है, ठीक है। तो ये जो है बाय गिवन बाय मैन्युफैक्चरर, पी और एस, सिर्फ एब्रेसिव ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड, ये जो बीच का पार्ट है ये दिया जाता है बाय व्हील के कैरेक्टर को शो करता है, जो व्हील के बारे में शो करता है। तो बचे कितने, दैट इज 5। तो देयर इज अ 5 सिंबल्स यूज्ड इन द ग्राइंड डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा 5, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है जी। नाउ आपसे पूछता है यहाँ पे फर्स्ट सिंबल ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील कोड इज दी, तो फर्स्ट सिंबल क्या शो करता है, तो प्रीफिक्स को हटा दे, सफिक्स को हटाए, तो फर्स्ट सिंबल शो करता है ए, ए मतलब एब्रेसिव, ए मतलब एब्रेसिव, ठीक है। देखिए ये हमेशा सबको याद रहता है कि ए एब्रेसिव होता है, बी बॉन्ड होता है, एंड एस स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ बच्चे हमेशा कंफ्यूज जो होते हैं वो इसमें होते हैं डबल जी में, कि पहले ग्रेन आता, ग्रेड आता है या पहले ग्रेन आता है। तो यहाँ पे मेन आपको यही चीज सबसे पहले याद रखनी होती है कि आपके पास ग्रेन पहले आता है कि ग्रेड पहले आता है। तो इसको याद रखेंगे तो फिर बाकी भूलने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। तो ये याद रखिए कि पहला एब्रेसिव होता है, दूसरा बॉन्ड होता है, ये शेल है, ये सॉरी ये आपका स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमेशा पहले क्या होता है बताइए, ग्रेन की ग्रेड बताएं बच्चों, ग्रेन पहले आता है कि ग्रेड पहले आता है, पहले ग्रेन, बिल्कुल सही, दैट इज पहले ग्रेन आता है फिर ग्रेड आता है, ठीक है ना, पहले ग्रेन आता है फिर ग्रेड आता है। तो इसको कैसे भी करके याद रखें, ठीक है ना, पहले ग्रेन, ठीक है ना। तो आप कैसे भी करके याद रखें, आपकी मर्जी है कैसे इसे याद रखना है, पर याद रखना जरूरी है कि पहले ग्रीन फिर ग्रेड, वेरी गुड। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यहां पे आपसे पूछ रहा है, हाँ ग्रेड की जगह पे कई बच्चे हार्डनेस से भी ध्यान रखते हैं, जैसे कुछ बच्चे ने लिखा है कि एब्रेसिव ग्रेन हार्डनेस स्ट्रक्चर बॉन्ड, ऐसे याद रखते हैं। तो कई बच्चे ग्रेड को हार्डनेस से भी ध्यान रखते हैं, बट ऑब्वियसली बात है ग्रेड भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, द फर्स्ट सिंबल इज एब्रेसिव, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर रिमिंग ऑपरेशन, अब थोड़ा सा रिमिंग भी हमने ले लिया है, जहाँ सरफेस फिनिशिंग की बात आती है, तो रिमिंग ऑपरेशन इन ब्लाइंड होल, ब्लाइंड होल होता है बच्चों जो होल आर पार नहीं होता है उसे ब्लाइंड होल कहते हैं, जो एक तरफ से तो ओपन होता है दूसरी तरफ से बंद होता है, ठीक है। तो फॉलोइंग टाइप ऑफ रिमर शुड बी यूज, तो अगर हम किसी ब्लाइंड होल को रिमिंग कर रहे हैं, रिमिंग एक क्या है, एक इंटरनल होल्स की सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसमें हम होल्स को फिनिश करते हैं, उसके साइज को सही करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फॉर रिमिंग ऑपरेशन इन ब्लाइंड होल फॉलोइंग टाइप ऑफ रिमर शुड बी यूज, किस टाइप का रिमर जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो स्ट्रेट फ्लूट रिमर, राइट हैंड स्पाइरल फ्लूट रिमर, लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूट रिमर, या नन ऑफ दी अबव। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये याद रखना है आपको कि हम लोग ब्लाइंड होल को वो रिमिंग कर रहे हैं, तो दैट वी हैव टू यूज अ राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर, राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर, ठीक है। बी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े हुए नहीं है तो चांस ही नहीं है बच्चों कि आप इसमें वहीं पर कुछ कंसेप्ट लगा पाओ, आप बिल्कुल कोई आइडिया नहीं लगा सकते जब तक आपने पहले पढ़े नहीं है। तो इसलिए प्रोडक्शन रिक्वायर मोर प्रैक्टिस,
द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग अ ड्रिल, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने प्रोडक्शन में कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं, मतलब कुछ कंसेप्ट ऐसे भी देखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको फॉलो करो, वन ऑफ दी कैटेगरी ये भी है ऐसे लोगों की जो प्रोडक्शन में कंसेप्ट पढ़ते ही नहीं है, वो सीधा प्रोडक्शन में क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, बस उन्हें ये बताया ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, उन्होंने सभी बुक से सिर्फ क्वेश्चन के आंसर कर दिए, ठीक है तैयार, कि भाई ये क्वेश्चन है उससे आंसर ये है, तो उस क्वेश्चन से ही वो आंसर बनाते बनाते कंसेप्ट बना रहे हैं। और अब आप कह सकते हैं कि सर क्या इससे फ़ायदा है या ऐसा पॉसिबल है कि इससे पेपर में प्रोडक्शन के क्वेश्चन हो जाएं? बिल्कुल पॉसिबल बच्चों, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो लोग आज बार्क में साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो कोई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस तरह से भी करके प्रोडक्शन, मतलब वही है, देखिए कॉम्पिटिशन को आप बिल्कुल ऐसे मत समझिए, कॉम्पिटिशन रिक्वायर्ड सम नॉलेज, ठीक है, मतलब इस लेवल पे जो कंपटीशन है आज की डेट में, जो जेई लेवल पे खासकर मैं बोलूँ तो जेई लेवल पे जो कंपटीशन है वहाँ नॉलेज नॉलेज की आपकी चेकिंग नहीं हो रही है, ठीक है, नॉलेज एक ठीक है, वो नॉलेज तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इंपॉर्टेंट वही है कि आप अटैम्प्ट कैसे करते हैं, कितना करते हैं, चाहे आप दाएँ बाएँ कैसे भी पढ़ के कर रहे हो, तो ये चीज़ समझनी होती है आपको कि नॉलेज आपको एक कॉन्फिडेंस देगा आगे फ्यूचर में भी काम करने के लिए, और नॉलेज आपको जो है वो आपको मोर सर्वाइव कराएगा किसी भी जगह पे आप जाएंगे, बट कंपटीशन एक डिफरेंट चीज़ है, कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल कट थ्रोट वाला सीन है, आपको आंसर आना चाहिए, कोई नहीं पूछ रहा है आपसे कि किस वजह से आपको आता है ये क्या आता है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो उसके बाद तो आपको आंसर आना चाहिए कैसे भी करके। तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन में अगर आप बहुत डिफिकल्ट मानते हैं सिलेबस को, अब जिस तरह से मैंने प्रोडक्शन पढ़ाया उस तरह से अगर बेसिक बेसिक भी आप पढ़ के चलेंगे तो एक बेसिक कंसेप्ट तो बना हुआ रहता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको हवा ही नहीं, ग्राइंडिंग क्या है ना, बस उसके बाद लेकिन क्वेश्चन पे ही ध्यान दीजिए, मोर क्वेश्चन करिए प्रोडक्शन में तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका प्रोडक्शन स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली कंसेप्ट पूरे पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन नहीं करे होंगे आपने ज़्यादा, तो फिर प्रोडक्शन आपका हमेशा वीक में ही कहलाएगा, ठीक है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग, क्योंकि प्रोडक्शन में मैं बता दूँ प्रोडक्शन स्ट्रांग करनी है तो उसके लिए मटेरियल साइंस काफ़ी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है, मतलब मटेरियल्स की नॉलेज भी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है, और उसको स्ट्रांग करने के लिए सिर्फ किताबें इनफ नहीं है, आज तक प्रोडक्शन की कोई भी एक सिंगल किताब नहीं हुई है कि हम बोले कि ये किताब बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हिसाब से अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, वेल्डिंग अलग है, कास्टिंग अलग है, मशीनिंग में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं, फॉर्जिंग अलग है, तो वो ज़्यादातर लोग जो पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं या बहुत अच्छा डिटेल चाहते हैं वो लोग फिर रिसर्च पेपर वगैरह ये सब भी पढ़ते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है आप इस लेवल पर ये सब तो नहीं पढ़ोगे ना, आपको तो मेन आंसर पता होना चाहिए, इसलिए बेसिक्स पढ़ो, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है, वैसे तो मैंने मशीनिंग बहुत डिटेल में ले रखा है पोर्टल में भी, बट फिर भी मैं कहूँगा कि बेसिक पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन करो, बस प्रोडक्शन में से ज़्यादा मत खींचो, ठीक है। विकास कुमार जी पीडीएफ 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 क्या बोल रहे हो आप, पीडीएफ मैंने बच्चों सब ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, एक बची है मेरे ख्याल से कोई पीडीएफ मटेरियल साइंस की, शायद बाकी तो सब पीडीएफ दे दी है मैंने, जो भी लास्ट सेशन थे हमारे सबकी पीडीएफ मैंने दे दी है, बस जो मटेरियल साइंस जो बचा है उसकी पीडीएफ बची है ना, तो पीडीएफ आपको सब टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होती है बच्चों, क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे बोलता है द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग अ ड्रिल्ड होल इज कॉल्ड, ड्रिल्ड होल को, कोई ड्रिल्ड होल है उसको थ्रेडिंग अगर हम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ड्रिल्ड होल को थ्रेडिंग करना मतलब उसमें थ्रेड काटना, दैट इज कॉल्ड टैपिंग, इसको हम बोलते हैं टैपिंग, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं टैपिंग, ओके पोर्टल की बात कर रहे हैं क्या, चलो ठीक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रेडिंग मतलब टैपिंग, अ टूल यूज इन कटिंग एन एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड, हम कौन सा टूल यूज करते हैं एक एक्सटर्नल थ्रेड को कट करने के लिए, ट्विस्ट ड्रिल, टैप, डाई एंड व्हील, अब एक्सटर्नल थ्रेड कट करने हैं बच्चों तो टैप हमने यूज किया है जो ड्रिल होल में थ्रेड करने के लिए, वो इंटरनल होल के लिए किया है, मतलब ऑब्वियस ही बात है होल करके थ्रेड काटने तो अंदर ही काटेंगे ना, दैट इज फॉर इंटरनल थ्रेड्स, अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए, तो एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्विस्ट ड्रिल, टैप, डाई या एंड मिल बताएं, इजी तो है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है टफ है, दैट इज योर, क्योंकि ऑप्शन बाकी के थोड़े अलग हैं भाई, एंड मिल, टैप और ट्विस्ट ड्रिल से बेटर क्या है, दैट इज फॉर बाय डाई,
डाई के थ्रू जो है हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड जो हैं हम कट कर सकते हैं। तो दैट इज सी विल बी दी करेक्ट आंसर, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विल बी दी करेक्ट आंसर, डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर, ग्राइंडिंग ऑपरेशन जो है वो हमारा किस लिए यूज होता है? रिमूविंग मटेरियल, शेपिंग, ड्रेसिंग, फिनिशिंग। तो इजी है ये भी, आप सटाक से आंसर कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। दैट इज योर क्या है, ऑब्वियस बात है, मटेरियल रिमूव तो है ही, लेकिन उसको मटेरियल रिमूव के हिसाब से आंसर करें, शेपिंग के हिसाब से आंसर करें, या ड्रेसिंग के हिसाब से आंसर करें, या फिनिशिंग के हिसाब से। तो ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो आपको उसमें थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है कि कौन सा इसमें बेटर रहेगा इस हिसाब से। ठीक है, बता दिए फटाफट, जल्दी बताएं बच्चों। फिनिशिंग, फिनिशिंग, फिनिशिंग। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आंसर जो है वो फिनिशिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, जब इस तरह के ऑप्शन आए आपके पास अगर, ठीक है ना, तो फिर आंसर आप उसी हिसाब से करें। दैट इज़ फिनिशिंग इज़ द मोर सुटेबल आंसर फॉर अमॉन्ग ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो डी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिनिशिंग इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील इज बैलेंस्ड, ग्राइंडिंग व्हील को बैलेंस जो है वो कब किया जाता है? एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टार्टिंग में जब बना रहे हैं हम तब उसको बैलेंस करते हैं, या ग्राइंडिंग करने से पहले बैलेंस करते हैं, या ग्राइंडिंग करने के बाद बैलेंस करते हैं, या फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं कुछ कुछ समय में, बताइए, बताएं बच्चों, प्लीज़ बच्चों। सेशन अगर आपको ठीक लग रहा है तो प्लीज़ उसको बिना ज़्यादा सोचे समझे लाइक कर दीजिए। बताएं, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कई बार पहले पूछा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, कि अगर ग्राइंड कर रहे हैं तो ग्राइंडली ग्राइंडिंग जो है वो फ्रिक्वेंटली, ग्राइंडिंग जो है फ्रिक्वेंटली ही लोड आपको चेक करना होगा, बैलेंस करना होगा जब करते वक्त। ठीक है, बीच बीच में आपको चेक करते रहना होगा, तो दैट इज फ्रिक्वेंटली, मतलब कुछ कुछ समय में आपको करते रहना होगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने लिया हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी लिया था। ठीक है, दैट इज बिफोर, वो अपने आप ही हो जाएगा बिफोर ग्राइंडिंग ना, इसलिए फ्रिक्वेंटली बोलते हैं। फ्रिक्वेंटली मतलब कुछ कुछ देर में करते रहना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्क पीस इज सपोर्टेड एज फॉलोज इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ठीक है, वर्क पीस इज सपोर्टेड एज फॉलोज इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में वर्क पीस जो है वो किससे सपोर्ट किया जाता है बच्चों? मैग्नेटिक चक से, इन सेंटर से, कॉलेट चक से, या नन ऑफ द अबव? सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग को जरूर पढ़ के चलें बच्चों, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग। तो बताएं वर्क पीस, तो आपको पता है वर्क पीस जो है वो सपोर्टेड नहीं होता है किसी चीज से, बस क्या होता है, एक तरफ आपका इधर ग्राइंडिंग व्हील होता है, रेगुलेटिंग व्हील जिसे कहते हैं, और एक तरफ आपका ग्राइंडिंग करने के लिए जो व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील वो होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील के बीच में सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी रखी जाती है, जो भी ऑब्जेक्ट आप ग्राइंड कर रहे हैं वो रखी जाती है। ठीक है ना, और बीच में बीच नीचे बस एक सपोर्टेड होता है ताकि बीच से स्लिप ना हो जाए उसके लिए, और रेगुलेटिंग व्हील जो होता है वो रबर ग्राइंडिंग, रबर बॉन्ड का होता है, ताकि वो एक ग्रिप बनाने के लिए उस पर रहता है। ठीक है ना, ताकि वो प्रेस कर सके, उससे हम फीड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, दैट इज डी, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नन ऑफ दी अबव, हम किसी चीज़ में उसे फंसाते नहीं है, नन ऑफ दी अबव विल बी दी करेक्ट आंसर। पिकिंग अप इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग, सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग के अबाउट, सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, पहला है इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग जॉब्स, ये लॉन्ग जॉब्स के लिए सुटेबल है। रेट ऑफ प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग इज लो। ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के कंपेयर में इसमें रेट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। वियर एंड टीयर ऑफ मशीन इज लेस, मशीन का वियर और टीयर जो है वो भी कम होता है। रेगुलेटिंग व्हील इज यूजली रबर बॉन्ड, तो ये तो मैंने अभी बताया आपको कि जो रेगुलेटिंग व्हील होता है वो जनरली रबर बॉन्ड का बनाया होता है। तो इसमें बच्चों आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको छांटना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या नजर आता है? बताएं, तो यहां पे बच्चों साफ है,
कहता है रेट ऑफ प्रोडक्शन एज कंपेयर टू सेंट्रल ग्राइंडिंग इज लो, कि जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग में सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के कंपेयर में लो होता है। तो ये बिल्कुल सरासर जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो याद रखिए बी इज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी इज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सभी बच्चों काफी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, तो बी रहेगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, इन सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग मशीन द मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज प्रोवाइडेड। सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग में जो मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट होता है वो किस लगभग किस अंदाजन क्या होता है, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, 20 डिग्री का या 30 डिग्री का, जल्दी बता दें। ठीक है, ये भी डेटा भेज दी है, तो दैट इज योर 10 डिग्री, दैट इज योर 10 डिग्री, 10 डिग्री के आसपास। ठीक है, फॉर वेरी फाइन फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक है, बहुत फाइन फिनिशिंग और पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स सच एज बॉल बियरिंग रेसेस फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूज। देखो मैंने कहा था ना एक बॉन्ड के क्वेश्चन, आगे भी एक दो क्वेश्चन और डाले मैंने, तो यही है वो। तो अगला कह रहा है कि अगर हमें बहुत फाइन फिनिशिंग और पॉलिशिंग चाहिए मेटल की, लाइक बॉल बियरिंग रेसेस, ठीक है, तो किस टाइप का बॉन्ड हमें चाहिए होगा, विट्रीफाइड, रेजोनॉइड, शेलेक या सिलिकेट बॉन्ड, बताएं। वेरी फाइन फिनिशिंग उसने पहले ही बोला है, तो द बॉन्ड रिक्वायर्ड फॉर दैट इज, द बॉन्ड रिक्वायर्ड फॉर दैट इज योर शेलेक बॉन्ड, दैट इज योर शेलेक बॉन्ड। ठीक है, सी विल बी दी करेक्ट आंसर, सी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए, लैपिंग, हॉर्निंग एटसेट्रा आर फॉलोइंग टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, लैपिंग और हॉर्निंग आपको पता है जो सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन में आता है, हॉर्निंग भी, ठीक है, लैपिंग भी वही है जिसमें हम स्लरी, आपके एब्रेसिव वाली स्लरी जो है वो सरफेस के ऊपर डालते हैं, उसके बाद लैप मतलब पोचा सा मारते हैं उसका बिल्कुल, और रगड़ के उसमें से मटेरियल को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हॉर्निंग में हॉर्निंग टूल होता है, हॉर्निंग टूल जो है वो सर्फेस को क्लियर करता है, जो मतलब और कोई ड्रिल व्रिल सर्फेसेस हैं, बोरिंग वोरिंग हो रखी है, उनको जो है अंदर से इंटरनल सरफेस को फिनिश करता है। तो कह रहा है वो किस तरह के मशीनिंग ऑपरेशंस हैं, हाई स्पीड एब्रेसिव, लो स्पीड एब्रेसिव, मीडियम स्पीड एब्रेसिव या लार्ज मटेरियल रिमूवल वाले, जल्दी बताएं, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस ही बात है आपके, मैंने बोला ना ये फिनिशिंग ऑपरेशंस होते हैं, तो लार्ज मटेरियल रिमूवल कभी भी फिनिशिंग ऑपरेशन में नहीं आएगा, तो डी तो नहीं हो सकता। अब आती है हाई, लो या मीडियम स्पीड, तो याद रखिएगा दे आर लो स्पीड। आप कभी भी हॉर्निंग टूल वगैरह यूज़ करते हुए देखेंगे तो वो बहुत तेज स्पीड में नहीं चलते हैं, अपना प्रॉपर हल्के 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 एक लो स्पीड में मूव करते हैं। तो याद रखिए दे आर ऑफ लो स्पीड, नॉट हाई स्पीड। ठीक है, इसलिए लैपिंग जो है कई बार वो हाथ से भी की जाती है, लैपिंग जो है वो मैनुअली भी की जाती है, बिकॉज दे आर लो स्पीड। तो ये लो स्पीड ऑपरेशन है बच्चों, लो स्पीड एब्रेसिव। ठीक है, तो बी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हाई नहीं भाई, हाई तो है ही नहीं है। ठीक है, बी रहेगा आपका करेक्ट आंसर, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल लोकेटिंग डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब यूज्ड इन जिग्स एंड फिक्सचर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बीच में घुस गया। तो क्या है टिपिकल लोकेटिंग डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब्स यूज्ड इन जिग्स एंड फिक्सचर्स। ठीक है, आप याद रखो बच्चों, ये लैपिंग वैपिंग भूल जाते हो, बस लैपिंग मतलब पोचा मारना ध्यान रखो, तो पोचा मारना तेजी तेजी से तो पॉसिबल नहीं है, आराम आराम से ही लगेगा, क्लियर है। तो अगर आप सरकारी आदमी नहीं है, तो मतलब सरकारी जगह पे पोचा नहीं मार रहे हैं, तो सरकारी जगह पे मारोगे फिर तो हवा हवा में जमीन को बिना टच करे पोचा लगते हुए निकल जाएगा। टिपिकल लोकेटिंग डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब्स यूज्ड इन जिग्स एंड फिक्सचर्स आर, तो ड्रिल जिग्स, वी ब्लॉक्स, मैंड्रिल, एंगल प्लेट। तो आपको पता है बच्चों सिलेंड्रिकल जॉब्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी ब्लॉक, वी यूज वी ब्लॉक्स फॉर दैट, ताकि वो अपनी जगह पे रहता है कुछ इस तरह से, दैट इज वी यूज वी ब्लॉक्स। तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर, है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर गियर्स। इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो गियर के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, मतलब जिससे हम गियर नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे हम गियर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो बताइए। मिलिंग, स्टैम्पिंग, हॉट रोलिंग, एक्सट्रूडिंग, बताएं बच्चों, विच इज नॉट अ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर गियर।
जल्दी बताएं, अच्छा क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सी गियर की प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है? ये क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ एक नाम से फर्क पड़ जाता है आंसर बताने में। जल्दी 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 बताएं। और मुझे उम्मीद पूरी है कि इसमें मैक्सिमम लोग जो है गलत आंसर करेंगे, इसलिए मैं एक बार हिंट दे रहा हूं कि दोबारा देख लीजिए। ओके हर्ष प्लीज। बच्चों काफी बच्चे स्टैम्पिंग आंसर कर रहे हैं कि स्टैम्पिंग जो है वो गियर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, तो उनको मैं बता दूं बच्चों, स्टैम्पिंग जो आपके प्लेट में गियर बनते हैं ना, जैसे साइकिल का गियर देखा है आपने कि प्लेट्स वाले होते हैं, प्लेट्स में जो गियर बनते हैं, तो दैट इज वो डन बाय स्टैम्पिंग, उसको स्टैम्पिंग से बनाते हैं, ठीक है ना। जो प्लेटेड गियर्स होते हैं दे आर बॉम बाय स्टैम्पिंग, तो स्टैम्पिंग एक गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही है, ठीक है। अब बताएं, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हॉट रोलिंग, रोलिंग से तो बिल्कुल मास प्रोडक्शन अगर गियर आप कर रहे हैं तो हॉट रोलिंग इज दी गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हॉट रोलिंग इज ऑल्सो गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सी यह है वो भी बिल्कुल गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब बताएं, तो अब बच्चों को लगता है, अब लगता है बच्चों को एक्सट्रूजन, ठीक है, अब उनको लगता है एक्सट्रूजन विल बी द करेक्ट आंसर है। अब एक्सट्रूजन और मिलिंग बचा है बच्चों, इसमें से कौन सी जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस है गियर की नहीं है, गियर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अब किसको आंसर करेंगे आप? दो ऑप्शन तो हट गए ना, दो ऑप्शन का तो क्लियर हो गया सबको, दो ऑप्शन तो हट गए हैं, अब आपके पास बचा है बस मिलिंग एंड एक्सट्रूजन। क्या एक्सट्रूजन से गियर फॉर्म हो जाता है? हाँ तुम्हारा क्वेश्चन था ना हर्ष, बता देता हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल सही, मात्र एक दो बच्चों ने सही आंसर किया है यहाँ पे। याद रखिए बच्चों, मिलिंग प्रोसेस जो है वो गियर प्रोडक्शन नहीं, गियर जनरेटिंग प्रोसेस है, ठीक है। मिलिंग में आपको पता है कि मिलिंग में हमारा जो है, तो इसलिए मिलिंग में कभी, मिलिंग को कभी भी गियर प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं डालते हैं बच्चों। मिलिंग जो है जिसमें गियर जनरेट किए जाते हैं थ्रू मिलिंग टूल, ठीक है, और वहाँ पे जो है आपको पता है हर तरह का गियर नहीं बन सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप का मिलिंग कटर पे बेस जो है इंडेक्सिंग करके हम लोग प्रोसेस के थ्रू गियर वहाँ पे जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो मिलिंग एक ऐसी प्रोसेस कही जाती है जिससे हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। आप उसमें नंबर ऑफ गियर्स नहीं बना सकते कि आप निकाल रहे हैं उसमें गियर्स आराम से, ठीक है, इट इज़ अ गियर। तो यहाँ पे याद रखिएगा, काफ़ी बच्चे इसमें एक्सट्रूजन कर देते हैं टिक, तो ये लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इज मिलिंग, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग जो है गलत आंसर करेंगे, ठीक है। तो बाकी सब जो है वो गियर प्रोडक्शन प्रोसेस है एक्सेप्ट मिलिंग, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। प्रोडक्शन मतलब वो होता है जिससे आप गियर, मतलब गियर आप जैसे मान लीजिए आप गियर प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर्ड हैं आप गियर वाले, तो मैन्युफैक्चर गियर मतलब आप इतने गियर्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मिलिंग से आप क्या है, आप कुछ गियर बना सकते हैं सिर्फ देखने के लिए, बट आप वहाँ प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं मिलिंग से, ठीक है ना। तो वो गियर जनरेट करने वाली प्रोसेस है बस, ठीक है। तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर, इनमें ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब होता है कि जिसको आप पूरा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे गियर्स आप, क्योंकि भाई गियर बनाएंगे, गियर प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो कोई एक गियर या दो गियर या तीन गियर का प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। गियर प्रोडक्शन करेंगे तो आप नंबर ऑफ गियर्स का प्रोडक्शन करेंगे, और मिलिंग से वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है, समझ आई बात। तो मेरे हिसाब से
ठीक है, सिर्फ आप ये मत सोचें कि गियर बनता है या नहीं बनता है। सही कह रहे हैं कि एकदम से ऐसे क्वेश्चन से जो है लगता है कुछ भी नहीं पता, तो प्रोडक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा झटका लग जाता है कि ये क्या है। बहुत सही, चलिए। हॉर्निंग ऑपरेशन, इसलिए तो क्वेश्चन लिए जाते हैं, अभी तो कह रहा हूँ क्वेश्चन करो ना यार प्रोडक्शन में, और कुछ नहीं। हॉर्निंग ऑपरेशन कैन बी यूज टू चेंज द लोकेशन ऑफ होल और करेक्टेड द स्लोप कंडीशन ऑफ द होल। स्लोप कंडीशन कांट यू बी यूज फॉर द एप्लीकेशन इन ए अबव, अबव एप्लीकेशन इज पॉसिबल अंडर सम सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द अबव। ये स्लोप ही है, कुछ कटा हुआ, एक सेकेंड देखते हैं पहले। कनेक्टेड दी स्लोप कंडीशन, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, स्लोप, स्लोप क्या बोलना चाह रहा है चेक करना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन जहाँ से भी उठाया होगा। मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ऐसे में स्टेटमेंट पूरा समझ नहीं आएगा क्या है। कैन बी यूज टू चेंज दी लोकेशन ऑफ अ होल और करेक्टेड दी स्लोप कंडीशन ऑफ अ होल, वही होगा, या तो होल के जो होल है वो स्ट्रेट ना होके स्लोप इधर उधर है, उसकी कंडीशन को करेक्ट करना, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, चलो उसके हिसाब से हम आंसर करते हैं, वही स्लोप ही बोल रहा है मानो, उसके हिसाब से आंसर करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है हॉर्निंग ऑपरेशन कैन बी यूज टू चेंज द लोकेशन ऑफ होल, हॉर्निंग ऑपरेशन जो है वो होल की लोकेशंस को चेंज कर देता है, तो ये दैट इज नॉट पॉसिबल बच्चों, तो ए तो आंसर नहीं है। ठीक है, बी कह रहा है कांट बी यूज फॉर द एप्लीकेशन इन ए अबव। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर ही करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ए के लिए उसने यही बोला है कि वो इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, होल के अंदर के सरफेस को फिनिश कर सकता है बट उसकी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकता है, तो इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, बट इट करेक्ट द कंडीशन ऑफ अ स्लोप, स्लोप की कंडीशन को मतलब स्ट्रेट कर सकता है उसी होल को, तो इसीलिए ए का जो एप्लीकेशन है वो गलत है, बाकी ए सही है कि स्लोप की कंडीशन को सही कर सकता है, तो बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर फिर। ठीक है, बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। इन डिटरमिनिंग दी वेरियस फोर्सेस द चिप, फोर्सेस द चिप मर्चेंट एज्यूम दैट दी, ये थोड़ा सा कटिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि हाँ, जो डिफरेंट फोर्सेस लगते हैं हमारे चिप रिमूवल में, तो उसमें मर्चेंट ने जो है, मर्चेंट एनालिसिस आप जानते हैं, मर्चेंट सर्कल एनालिसिस, उसने कुछ एजम्पशंस लिए थे, तो वो एजम्पशंस हमारे क्या हैं ये पूछ रहा है। तो पहला है कटिंग एज ऑफ द टूल इज शार्प एंड इट डज नॉट मेक एनी फ्लैंक कॉन्टैक्ट विद दी वर्क पीस। ठीक है, तो वो कहता है कि कटिंग एज जो टूल की होती है वो काफ़ी शार्प होती है और उसका फ्लैंक सरफेस जो है वो वर्क पीस के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, आपको पता है उसे फ्रिक्शन के लिए अवॉइड करने के लिए हम क्लियरेंस एंगल देते हैं। ठीक है, ओनली कंटिन्यूस चिप विदाउट बिल्ट अप एज इज प्रोड्यूस। ठीक है, आपकी चिप जो है वो कंटिन्यूस प्रोड्यूस होगी, कोई बिल्ट अप एज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, कटिंग वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट, जो कटिंग वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, वेरी नहीं करेगी। तो ये सभी एजम्पशन जो है वो जो मर्चेंट सर्कल एनालिसिस है, जितना भी हम मर्चेंट में फोर्स एनालिसिस करते हैं मर्चेंट के अकॉर्डिंग, वो सब इन्हीं सब एजम्पशंस के बेसिस पे करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ डायनेमोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, डायनेमोमीटर जो डिवाइस है वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज होता है, चिप थिकनेस रेशियो, फोर्सेज ड्यूरिंग मेटल कटिंग, वियर ऑफ कटिंग टूल, डिफ्लेक्शन ऑफ कटिंग। तो बहुत आसान है बच्चों, डायनोमीटर आप सबको पता है कि हम लगाते हैं एब्जॉर्प्शन टाइप, ट्रांसमिशन टाइप, वो क्यों लगाते हैं, जो हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा होता है उसको मेजर करने के लिए, है ना, ब्रेक अप्लाई करके उसको मेजर करने के लिए। तो फ्रिक्शनल टॉर्क से हम लोग क्या मेजर करना चाह रहे हैं, फोर्स मेजर करना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स को हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कौन सी फोर्सेज लग रही है, हमारी कटिंग फोर्सेज वगैरह लग रही है, उनको हम मेजर कर रहे हैं, तो साफ है फोर्सेज ड्यूरिंग मेटल कटिंग जो है वो मेजर करते हैं हम डायनेमोमीटर से। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, टूल मटेरियल फॉर फास्ट मशीनिंग शुड हैव, टूल मटेरियल जो है एक फास्ट मशीनिंग के लिए, वियर रेजिस्टेंस, रेड हार्डनेस, टफनेस, ऑल ऑफ दीज, तो टूल मटेरियल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर हमें फास्ट मशीनिंग कर रहे हैं, तो किस तरह के प्रॉपर्टी की जो है रिक्वायरमेंट टूल मटेरियल के अंदर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं, दैट इज वियर रेजिस्टेंस, रेड हार्डनेस, टफनेस या ऑल ऑफ दीज, तो दैट ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे डी विल बी दी
करेक्ट आंसर। द स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी इज यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग द मशीनेबिलिटी ऑफ द मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स। जो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी है हमारी, ठीक है, वो मशीनेबिलिटी के लिए, मशीनेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए किस पे डिपेंड करती है? कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन पे, माइक्रो स्ट्रक्चर पे, वर्क हार्डनिंग करेक्टरिस्टिक्स पे, या ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों पे? बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, पर इतना नहीं। तो याद रखिएगा, द स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी विल डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज, बिकॉज कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, वर्क हार्डनिंग वगैरह, वो कैसी है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन आपका कितना होगा किसी भी कटिंग के दौरान या किसी भी मशीनिंग के दौरान। तो दैट इज डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? द ग्राइंडिंग ऑफ लॉन्ग सिलेंडर शाफ्ट, सिलेंडर ग्रोथ दिखा हुआ है, लॉन्ग सिलेंडर शाफ्ट और बार्स यूजली डन बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर में आ चुका है। तो ग्राइंडिंग ऑफ लॉन्ग सिलेंडर शाफ्ट और बार जनरली हम किस तरह की ग्राइंडिंग से करते हैं? इन फीड ग्राइंडिंग, थ्रू फीड ग्राइंडिंग, एंड फीड ग्राइंडिंग, या एनी वन ऑफ दीज। तो ग्राइंडिंग में मैंने इन फीड और एंड फीड दोनों टाइप की प्रोसेस आपको बताई थी। तो ये किस तरह की ग्राइंडिंग में जो है हम लोग करते हैं, तो फर्क सिर्फ इसमें प्रोडक्ट्स का ही पड़ता है बच्चों, कि किस किस तरह के हम लोग ग्राइंड करते हैं उसके हिसाब से उसके नाम इन फीड एंड थ्रू फीड और एंड फीड। ये तीन तरह के ग्राइंडिंग हम लोग ने देखी है, इन फीड, एंड फीड और थ्रू फीड। ठीक है, तो दैट विल बी, जहाँ पे हम लॉन्ग सिलेंडर शाफ्ट्स की बात करें तो वी विल फॉलो दी थ्रू फीड ग्राइंडिंग, वी विल फॉलो दी थ्रू फीड ग्राइंडिंग, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड ऑफ सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस टेपर इज, ठीक है, द मेथड ऑफ सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग, तो यहाँ पे कौन सा ग्राइंडिंग मेथड है जिसमें हम टेपर प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, यूज टू प्रोड्यूस टेपर। तो याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और RRB में आ चुका है। द मेथड ऑफ सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस टेपर इज, दैट इज योर एंड फीड ग्राइंडिंग। तो टेपर प्रोड्यूस करने की प्रोसेस हमारी है जिसमें सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग में हम टेपर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड फीड ग्राइंडिंग। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल इन फीड का दिया, थ्रू फीड का दिया, ऐसे ही एंड फीड का याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? ऑल ऑप्शंस में हमने बता रखे हैं ऑलरेडी सेशंस में। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ गए बच्चों? तो दीज ऑल क्वेश्चन शुड बी, यू शुड हैव टू लर्न ऑल दीज। तो ये रहे हमारे आज के लगभग 30 क्वेश्चंस जो हमने ग्राइंडिंग्स के ऊपर मेनली लिए हैं। ठीक है, तो अभी मशीनिंग का सेशन अभी और भी है बच्चों, क्योंकि मशीनिंग के क्वेश्चंस अभी बचते हैं। तो यहाँ पे हम मशीनिंग का नेक्स्ट सेशन लेंगे कल मॉर्निंग में। ठीक है, तो अब याद रखिएगा बच्चों कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंटली, कि इस टाइम पे आपको उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान जरूर दीजिएगा। ये मेरी एक सिंपल सी राय है आप लोगों के लिए, कि इस टाइम पे जो ये टाइम मिला है अभी, जिसमें आपको पता है कि 1.5-2 महीने से पहले कोई पेपर नहीं होना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप ध्यान दीजिएगा किस चीज़ पे, कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपका वीक है लेकिन उसकी वेटेज ज़्यादा है। वेटेज मतलब एक क्वेश्चन की वेटेज नहीं होनी चाहिए, वेटेज होनी चाहिए तो 2-3 क्वेश्चन की वेटेज होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसकी कम से कम 2-4 मार्क्स की वेटेज है किसी भी एग्ज़ाम्स में और आपका पोर्शन वीक है, तो प्लीज़ मैं कहूँगा इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप उसके प्रॉपर नोट्स बना के उसकी जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। ठीक है, मैं भी कुछ 1-2 सब्जेक्ट ऐसे लेने वाला हूँ जल्द ही, ठीक है, जिनकी ज़रूरत जो है बहुत इंपॉर्टेंटली है, बट थोड़ा सा बस वेट कर रहा हूँ कुछ दिन का, और उसके बाद जो है कुछ वैसे सब्जेक्ट लिए जाएंगे जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। ठीक है ना, प्रोडक्शन बस इसी तरह से करते रहिए। अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रोडक्शन करेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग आपकी हो सकती है। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा यहाँ तो अथाह क्वेश्चन है, अनंत है। चलिए, थैंक यू।